आरती हुए पव खंडना तेरी आरती अनहत शब्द अजंत पेरी सहस तव नैन नन नैन है तो हे को सहस मुरत नन एक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध एव चलत मोही सब में जोत जोत है सोए चानन सब में चानन हो गुरसा की जोत प्रगट हो ज्योतिष पावे सो आरती हर चरण कमल अकनंद लोभित मनो अन दिन मोहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाम वासा नाम तेरु आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन छूटे सकल पसारे नाम तेरु आसनो नाम तेरु नाम तेरा केसरो ले चिटकारे नाम तेरो अम्बला नाम तेरो चंदनो बस जप नाम ले तू चारे नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाके नाम तेरो तेल ले माहे पसारे नाम तेरे की जोत लगाई पयोजारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम मूल माला पार ठारे सगल जुठारे तेरो किया तुझे किया रे नाम तेरा तुझे चवर ढोलारे दस अठाठ सठ चारे काड़े यह वर्तन सकल संसारे रामदास नाम तेरु आरती सत नाम है भोग तुहार धूप दीप ग्रंथ साज आरती वार न जाओ कमला पति मंगलार रामा भगत रामानंद जाने पूरन परमानंद बखान मदन मूरत पैतार गोविंद सैन पाने पद परमानंद सुन संध्या तेरी देव देवा पद पत याद समाई सेद समाद अंत नहीं पाया लाग रहे सरनाई ले हो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजो पाई हाडा ब्रह्मा निगम विचार अलख नलख आ जाई तत ते दे पुजारा जोत लाए जगदीश जगाए पूजे पूजन हारा पंचे शब्द अनाद बाजे संगे सारंग पानी कबीर दास तेरी आरती की निरंकार गोपाल तेरा आरता हे दयाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करते तिनके काज सवार दाल सीधा मांगो कियो हम राक्षी करें
पनिया छादन निकाला जिम गो सत सिंगा गो पैस गो लवेरे एक ताजन तुरे चंगेरे पर की हन चंगे जन चंदा ले वै मंगी गोपाल तेरा आरता हे दयाल तेरा आरता सोरठ भूखे भगत न कीजे मला अपनी लीजे ओ मांगो संत नैना मैं ना एक सिखा देना मांगो कैसे बने तुम संगे आपन दे ओ तले हो मंगे दसर मांगो चुना पाओ के ओ संग लूना अटसर मांगो दाले मुको दोनों वक्त जिवाले काट मंगो चुपाए जेहाना अर्थ लाए ऊपर को मांगो खींदा तेरी भगत करे जन खींदा मैं ना ही किता लगू एक नाम तेरा मैं पगू कैत कबीर मन मान्या तो हर जान्या माधो कैसे बने दयाल कैसे बने तुम संगे संग अपने दे हो तले ओ मंगे मंगे सवैया या ते प्रसन्न पय है महान देवन के तप में सुख पावे जग करे एक वेद रहे पव तप हरे मिल जाने लावे चाल ताल मृदंग उपंग रबाब लिए सुर साज मिलावे किन्नर गंगरा गन कर गन जच अपच्छ निरट दिखावे संखन की तुन कंटन की फूलन की बरखा बरखावे आरती कोट करे सुर सुंदर पेक पुरण केवल जावे दानव दक्षण देखे पर दक्षण पाल में कुमकुम अछत लावे होत कुलाल देवपुरी में देवन के कुल मंगल गावे हे रब हे सस हे करुणाने मेरी अवे विनती सुन लीजे और ना मांगत हो तुम देख चाहत हो चित मैं सोई कीजे सस्त्रण सोवत हिरण पीता जूझ मरो तो साच पति संत सहाय सदा जगमार कृपा कर साम ए बल दीजे पाए गए जब ते तुम रे तब ते को आग तरे नहीं आने राम रहीम पुराण पुराण अनेक कह मत एक न मानो सिमरत शास्त्र वेद सब वेद कह हम एक न जानो श्रेयस पान कृपा तुम रेखा मैं ना कहो सब तो हे सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाणवे की लाजस गोविंद दास तुहार ऐसे चल प्रताप के दिन मिलो प्रताप तीन लोक जय जय त्रैर नाम सत जा चक्कर चक्रवर्ती चक्कर चक्कर युग स्वयं वो सुगम सर्वदा सर्व युग दुकान परनासी दयालं स्वरूप सदा अंग संगे अपंगम विभूते हर जी मेरी सार करे हम हर के बार
हर जी मेरी सार करे हर जी माता हर जी पिता हर जी माता हर जी पिता हर जियो प्रतिपालक हर जियो ज्ञान रास नाम तन सोपे ज्ञान रास नाम तन सोपे इस सो मैं नालो पते ना विछड़े हर पिता सगला सुनायक हर पिता सपना गला लायक हर जी मेरी सार करे Yeah.
जी मेरी सार करे, मेरी सार करे, मेरी सार करे रे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगतान के चरणों में बेनती है, हुण शब्द चौंकी होएगी, हर एक बंदा हाजरी भरे। बोले सोनेहा, बोले सोनेहा, हे प्राण नाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु, हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो, हे शरण जोग दयाल दीनानाथ मया करो, शरीर स्वस्थ खीन समय सिमरंत नानक राम दमो धर्माधवे। तन श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी, 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 धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब, 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 वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहगुरु 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 वाहगुरु। वाह वाह गोविंद सिंह जी, 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 और सच्चे तख्त रचाया, सत संगत मेला, नानक निरपो निरंकार, विच सिता खेला, वाहो वाहो गोविंद सिंह जी, 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 तई प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर विखे भवलयो, देश चाल हम ते पुन पई, शहर पौंटा की सुध लई, वाहो वाहो गोविंद सिंह जी, 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 गुर सिमर मनाई काल का, खंडे की बेला, पीवा पाहल खंडे तार, पीवा
ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੋਹਿਲਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 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 ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀ ਨੀ ਖਾਲਸਾ ਮਨ ਮੁਖੀ ਦੁਹੇਲਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਹੋ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 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 ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦੇ ਅਗੰਮੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ ਨਿਜ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 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 ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕਰਾ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ੇ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਗਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਏ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲ ਸੂਬੇ ਕੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ
गोविंद सिंह बेक सारा यार गुरु गोविंद सिंह बेक सारा यार गुरु गोविंद सिंह सिंह जी वाह वाह गोविंद सिंह जी वाह वाह गोविंद सिंह जी वाह वाह गोविंद सिंह जी बोले सुनहाल। कलगीधर पातशाह जी के सब तो वड्डे साहबजादे का यह जन्म स्थान है, बड़ी खुशी की गल है। सो अज दे दिन आप सारिया संगतां बाबा अजीत सिंह जी का जन्मदिन मनाउण वास्ते इत्थे आप जी पहुँचे हो। महाराज ने तुहाडे ते बड़ी भारी अपार कृपा कीती है, तुहानू रजेवियां विचों फारग करके इस पवित्र धरती ते भेजिया। भाई साहब भाई बलदेव सिंह जी वडाला उचेचे तौर ते पहुँच चुके हैं, वह आप जी नूं रसभिन्ने कीर्तन राहीं निहाल करनगे। पर जिहड़ा कीर्तन रूपी लंगर इस वक्त आप जी के सामने आ रहा है, ये जरूर प्रवान करना है। वह लंगर तो शरीरक सुख देगा और ये आत्मक सुख वास्ते आप जी ने यह कीर्तन रूपी लंगर जरूर आप जी ने छकना है और ध्यान दे नाल सरवण करना है। आओ जयकारा बुलाइए। बोले सोनिहाल बसंत चढ़िया फूली बसंत चढ़िया फूली बन बसंत चढ़िया फूली बन राय जी जंत फूले हर चित लाए जी जंत फूले हर चित लाए बसंत चढ़िया फूली बन राय बसंत चढ़िया फूली बन राय इन बिद एह मन हरिया हो हर हर नाम जपे दिन राती गुरमुख हो मैं कटे तोए गुरमुख हो मैं कटे तोए बसंत चढ़िया फूली बन राय बसंत चढ़िया फूली बन राय गुरबाणी शब्द सुनाए एहो जग हरिया सत गुर पाए फल फूल लाके ज्यादा पेलाए मूल लगे सत गुर पाए मूल लगे ता सत गुर पाए बसंत चढ़िया फूली बन राय बसंत चढ़िया फूली बन राय आप बसंत जगत सब वाड़ी आप आप
बसंत जगत 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 अब बसंत जगत सब वाणी अब बसंत जगत सब वाणी नानक पूरे पा भगत निराली नानक पूरे पा भगत निराली बसंत चढ़िया बोली बसंत चढ़िया बोली बाए बोली बाए बोली बाए हर हर नाम जपंतिया कछ न कहे जमकाल नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याग के हो हरे अपाई कर्म लिखन ते पाई है रुत सुहाई पांडित दिन पर बावले आए अमृत बल पाई मिल साधु सुख उपजे लति सब छाई नानक सिमरे एक नाम फिर बहुल न था पंच बदे महाबली कर सठटोआ अमृत दिन पाए अनविच गए खड़ोआ रोग सोग समेट गए नित्रवा निरोआ दिन रह नाम ते आएंदा फिर पाई नमो महाबली कर सच्चा ढोवा अपने चरंज पायन विच दयो खड़ोवा रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोवा दिन रैन नाम ते आएंदा फिर पाए ना मोआ जिस ते उपजे नानका सोई फिर होवा तिन धन जने दी माओ आए सफल से तिन धन जने दी माओ सफल से आए सफल से आए सफल से आए सफल से आए सफल से तिन धन जने दी माओ आए सफल से तिन धन जने दी माओ आए सफल से दिल हो मोहब्बत जैन से सचिया से स मन होर मुख होर जिन मन होर मुख होर से कांटे कांडे कच्छ
ਰਚਿਆ ਤਿੰਨ ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਨਾਉ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਤਿੰਨ ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਨਾਉ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਪੋਏ ਪਾਰਤੀ ਤੇ ਪੋਏ ਜਣੇ ਦੀ ਭਾਉ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਤਿੰਨ ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਭਾਉ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਸਫਲ ਸੇ ਪਰਵਤਕਾਰ ਅਪਾਰ ਪਰਵਤਕਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਸ਼ਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂ
चुम्मा पैर मो इन कन जड़े दी भाओ आए सफल से इन कन जड़े दी भाओ आए सफल से सफल से तिन तन जड़े दी भाओ आए सफल से 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 तिन तन जड़े दी भाओ आए सफल से तिन तन जड़े दी भाओ आए सफल से आए सफल से आए सफल से वाहिगुरु। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे इस महान पितर स्थान ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र हजूरी भी सुभाई मान साध संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कई दफा ये मन में ख्याल आ जाता है यह जो पंथ दे उच्च कोटि दे रागी सिंह या कोई भी कीर्तन करने वाला जो कीर्तन कर गया है ये कीर्तन करने वाले नू ज़्यादा लाभ पहुँचा है या सरवण करने वाले नू। ते साध संगत जी गुरबाणी बहुत सोहना निर्णय देंदी है हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट न आवे दोनों वास्ते बड़ी भारी महानता। जे कीर्तन करन वाले ने दिल लगा के एकाग्रचित होके कीर्तन कर लिया और सरवण करन वाले आप वर्गियां प्यार वाली संगतां ने सरवण कर लिया तो फिर साध सिंह जी दोनों वास्ते ये जीवन यात्रा जो है ये सफल हो गई है। असी बेनती करांगे सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी जथेदार अकाल तख्त साहब वो आप जी के सामने अपने मनोर विचार रखेंगे तो मैं बेनती करांगा संत बाबा निहाल सिंह जी तो जथेदार हरभजन सिंह जी साढ़े प्रधान साहब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उन्हां पास के वो गुरु घर गुरुद्वारा पौंटा साहब तो उन्होंने ये मान सम्मान देन कलगीधर पातशाह आप अपने हथी इस रुपाओ की बख्शिश करते सन उस ही मर्यादा रखद हो मान सम्मान दरबार साहब वालों बोले सो निहाल सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी जथेदार अकाल तख्त साहब अमृतसर साहब।
सतगुरां दे महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा पौंटा साहिब विखे गुरु हजूर सजी हुई सात संगत जी, आप जी वडभागी हो शामा दे सजे दीवान विच दूर दराज तो पहुँच के अपनियां हाजरियां लवा रहे हो। सतगुरु जी का कोटान कोट धन्यवाद है जिन्होंने अपने अस्थान दे बहुत ही सुलझे हुए प्रबंधक प्रधान साहिब और बहुत ही सत्कार योग महापुरश संत बाबा निहाल सिंह जी जिंदा शहीद हरिया वेलों वाले स्टेज सकत्र साहिब समुची प्रबंधक कमेटी ने सिख नौजवान सेवक सभा धन धन बाबा अजीत सिंह जी के पावन पवित्र जन्म दिहाड़े दे मनाउण दे समागम इन्हां बच्चियां दी सेवा बख्शिश कीती है। ये बहुत ही शलाघा योग उपराला है। आप जी ने गुरु के ढाडी साहिबान जो पंथ दा मान हुंदे ने उन्हां दी रसना तो भी इतिहास सरवण करना है। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे सत्कारित कीर्तनीए भाई बलदेव सिंह जी जो पंथक कारजां दे विच मनुखता दी भलाई दे वास्ते भी अपनी एक सोसाइटी बना के बहुत वड्डे कार्ज कर रहे ने, नगर कीर्तना राही संगतां नूं जोड़ रहे ने, इलाही बाणी दे कीर्तन सरवण करवाउंदे आं, आप संगतां नूं बच्चे बच्चियां नूं कुछ प्रेरणा दे शब्द भी कह के गए ने। अक्सर हर स्टेज दे उत्ते ही आई हुई संगत नूं ये बेनती करदे हन। संगत विचों दो चार छे प्राणी भी उहदे ते असर कर लैण ते उहनां दी हाजरी गुरु चरणां विच लग जांदी है। प्रबंधक वधाई दे पात्र हन। अमृत संचार होया है। तकरीबन 36 प्राणियां ने अमृत की दात प्राप्त करके पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब साहिबे आलम साहिबे कमाल दे पुत्र पुत्रियां होने का मान प्राप्त किया है। आओ प्यार सत्कार सहित बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी उन्हां दे जन्म दिहाड़े नूं मनाउण दे वास्ते असीं तुसीं सारे एकत्र होए हाँ। कार सेवा वाले महापुरश भी विशेष करके हाजिर होए ने। एक आदीब दे बड़े प्यारे बचन हन, जिनके दिन मनाते हो उनका इरशाद भी समझो, जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी समझो। उन्होंने जीवन तो प्रेरणा लैनी ही उन्होंने पवित्र जन्म दिहाड़े नूं मनाउणा है। और गुरसिख संगतां प्रबंधक धनता दे योग ने गुरु के परिवार दे गुरु साहिबाना दे शहीदां दे पावन पवित्र दिहाड़े मना के आप जुड़ते हैं, संगतां नूं जोड़ते हैं। भाई बलदेव सिंह जी जिवें आप जी नूं बेनती करके गए ने, मैं छोटी जी एक घटना प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने लिखी है वह कह के समाप्ति कर देनी क्योंकि समा बहुता नहीं है। महापुरशां ने हमेशा ही प्रचार किया है और महापुरश जो संत महापुरश ने उन्हां दी एक निरंकार दे वल्लों ड्यूटी लगी हुंदी है कि उन्होंने संगतां नूं सत दे नाल जोड़ना है। पर जदों संत सियासी हो जाए
समझो पंथ दे चंगे दिन नहीं हन। सियासी संत बन जाए ये गुरु की बख्शिश। एक सियासी संत होवेगा उहदी सियासत बहुत वधिया सुचज्जी सुंदर ते मनुखता दे भले दे वास्ते होवेगी। ते दूसरे पासे अपोजिट हो जांदा है। ऐ नतीजे तुहाडे सामने आ गए सारे। खैर मैं बेनती कर रहा सी संत महापुरश संत बाबा सोहन सिंह जी मलाका वाले उन्होंने कहिंदे ने हुण ते अकाल चलाना कर चुके हन। कीर्तन दे राही प्रचार राही विदेशों में बहुत बड़ा प्रचार किया। उन्होंने सिंगापुर की धरती ते उन्होंने दीवान सजे ते बेअंत संगतां जिवें आप सतगुरु की हजूरी में हाजिर हो। मैं इस गल ते आप जी नूं बहुत बहुत बधाई देंदा हाँ। तुहाडे मन विच गुरु प्रति गुरु परिवार प्रति अस्थान प्रति किन्ना सत्कार है। सत्कार होवे भी क्यों ना, ये महान पवित्र स्थान है जिथे पातशाह ने अनेकां बाणियां उचारण कीतियां और ये वो स्थान है जिथे कवियां नूं सतगुरां ने बहुत वड्डा सत्कार दिता है। इस पासे जाइए तो समां चाहीदा है। महापुरशां ने दीवान सजाए सतगुरु की हजूरी विच बेअंत संगत हाजिर होई। जिस समय दीवान की समाप्ति होई तो समाप्ति दे समय साडा एक सुभाव जिहा बणिया होया है असी फिर काहली करदे हां, जल्दी जल्दी असी बाहर निकल की कोशिश करते हैं। अरदास भी नहीं उड़ीकते, हुक्मनामा शुरू हो जाए ता भी नहीं बैठते हैं। बैठना चाहिए। जे अरदास शुरू हो गई, ग्रंथी साहबान हुक्मनामा लेना शुरू हो गया तो सिख का फर्ज बनता कि उत्थे ही खलो के अरदास में शामिल हो जाए, हुक्मनामा सरवण करे। खैर गुरु बख्शिश करे। काली दे विच जो संगतां दे विच ज़्यादा काली हुंदी है तो कई बार छोटे बच्चे जड़े ने वो माता पिता दे नालों विछड़ जांदे ने। मेरियां बच्चियां धीआं बैठियां ने, एक नौजवान बच्ची बाबा जी दे पास आई, बाबा सोहन सिंह जी दे पास, जो बाणी ते बाणे दे धारणी सन। क्योंकि संत भी अनेकां ने पर संत ओ परवान है जिसनों साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने, ते संत भले गुरसिख है जिन नाही चिंत पराई चुखा। गुरसिख संत भला है जिसनों किसी की कान कनौड नहीं है, किसी की मुथाजगी नहीं मुछंदगी नहीं है, वह गुरु नूं परवान है। महापुरशां दे पास बच्ची आई, कहन लगी बाबा जी संगत की भीड़ विच मेरा बच्चा गुम हो गया, गुआच गया, तुसी अपने सेवादार भेजो, वो मेरी मदद करन ते असी बच्चे नूं लभ लईए। महापुरशां दा बड़ा प्यारा ढंग हुंदा समझाउण दा। महापुरश कहन लगे बेटा असी अपने सेवादार भेजदे आं तुहाडे नाल, पर इन्हां नूं बच्चे की कोई निशानी ते पता होना चाहिए ना भई किहो जे कपड़े पाए ने, किन्नी उम्र दा है, की बोलदा है, कोई निशानी बेटा दस अपने बच्चे की। कहन लगी बाबा जी दसो की निशानी दसां। ते महापुरशां ने सब तो पहलों ये वचन किया, कहन लगा बेटा वेखण नूं तू सिखां दी धी लगदी आ ते सिख परिवार की नौ जापदी आ, तेरे बच्चे दे सिर ते केस हन। क्योंकि जे सिख दा बच्चा है तो केस ते जरूरी होने चाहिए ने ना। जे सिख दे बच्चे दे सिर ते केस ही नहीं, सिख दे सिर ते केस ही नहीं तो सिख अखवा ही नहीं सकता है। कई बार ना कई मन चले होंगे ने। अमृत की दात एक ने प्राप्त की, उसने अमृत भंग कर दिता। कई बार अमृत संचार होंगे ने, दास भी बहुत सारे समय तो सेवा निभा रहा है तो कई बार दो दो तीन तीन वारी तीजी तीजी वारी अमृत छकन वाले आ जाते हैं।
पुछिए किन्नी वारी पहली वारी छक रहे हैं, कहिंदा ने जी तीजी वारी छक रहे हैं। किसे मन चले ने अमृत भंग कर दिता तो उसनू कहा किसे ने भाई सतगुरां ने तैनू अमृत की दात बख्शिश की आप पंजां प्यारियां विच वरत के, क्योंकि पंजां विच सतगुरु पातशाह जी का वासा हुंदा है। जे श्रद्धा सत्कार होवे भावनी होवे तैनू अमृत की दात प्राप्त होई, तेरे केसां विच अमृत दे छिटे पाए गए ते तू अमृत भंग क्यों कीता है। वो ऐसा बद दिमाग सी बंदा, उन्हें अपने केस कतल करा दिते, केस कतल करा के अकाली फूला सिंह नू भेज दिते भई ऐ लो तुसी अपना अमृत मैनू नहीं चाहिदा। अकाली फूला सिंह नू जदों ये जाके उहदे केस दिते ना ते अकाली फूला सिंह जी कहन लगे चलो ठीक है। उन्होंने पंजां प्यारियां नू नाल लिया, कहन लगे केसां विच जिहड़ा अमृत पाया सी केस ते सानू वापस कर दिते ने, पर तैनू पता है भी पंज चोले तेरियां नेत्रां विच पाए तेरे मुख विच भी पाए ने, वह हुण कढ़न वास्ते असीं आ रहे हां ते तैयार हो जा। तेरे मुख विच जिहड़े अमृत दे पंज चोले पाए ने तेरे नेत्रां विच छट्टे मारे ने कढ़न वास्ते तैयार हो जा, असीं आ रहे हां। ऐसे भी मनुख हुंदे ने संसार दे उत्ते, बेटा तेरे बच्चे दे सिर ते केस हन, कहिंदे नहीं बाबा जी केस ते नहीं हन। महापुरश थोड़ा जा गंभीर हो के कहन लगे बेटा तेरे बच्चे नू पंजाबी बोलनी आउंदी है, सेवादार जाके नाम पुछण वो पंजाबी विच अपना नाम दस देवे। कहिंदे नहीं बाबा जी पंजाबी भी नहीं आउंदी। फिर बेटा तेरे बच्चे ने पोशाक ते गुरमत वाली पाई होवेगी ना, कहिंदी नहीं बाबा जी वह भी नहीं है। ते महापुरश कहन लगे बेटा जे तेरा बच्चा लभ भी जाए कोई फर्क नहीं पैण वाला, वह तो तेरे घर विच ही गुआचा होया। सच जाणियो अज साडे बच्चे साडे घरां विच गुआचे होए ने। मेरियां बच्चियां मेरियां धीआं बच्चे नूं तैयार करन तो आलस कर जांदियां ने भी इशनान करवाउणा पवेगा जूड़ा करना पवेगा कौन केसां दी संभाल करेगा। अपना इतिहास पढ़ो, समा नहीं कि मैं इत्थे दोहरावां। पीर बुद्धू शाह ने किन्नी महान कुरबानी कीती ते गुरदेव पातशाह दे कोलों केसां दे समेत कंघे दी दात प्राप्त कीती। कई वारी आप जी ढाडी सिंघां दे पासों सरवण करदे हो दीन दुनिया दर कमांदे आपरी रुखसारम हर दो आलम कीमत यक तार मूवे यारम। केसां दी एक एक तार तो दोने लोक कुरबान कीते जा सकदे ने तां वी इन्हां दी कीमत नहीं पाई जा सकदी। असीं केसां नूं फजूल ही समझ लिया है, असीं केसां दी अहमियत ही नहीं समझी है। बच्चियां दे सिर ते केस नहीं हन, असी बच्चियां नूं उन्हां स्कूलां दे विच ज़्यादा तरजीह देने हैं जिथे कहने इंग्लिश मीडियम चाहिए। बच्चे अंग्रेजी पढ़न अंग्रेजी सीखण अंग्रेजी बोलण मुबारक है, पर एक गल का ख्याल जरूर रखियो जे बच्चे नूं गुरमत दे नाल जोड़ना है अंग्रेजी नाल पंजाबी मां बोली पहलों चाहिए है, पहलों चाहिए मां बोली पंजाबी। क्योंकि जिस बच्चे दे पास मां बोली पंजाबी है, जिस बच्चे नूं मां दियां लोरियां गुरमत दियां प्राप्त होईयां ने, धन धन बाबा साहिबजादा अजीत सिंह जी इन्नी महान उन्हां दी करनी क्यों सी, क्योंकि मां ने दादी ने गुरमत दियां लोरियां दित्तियां, गुरमत रोम रोम विच दृढ़ करवा दित्ती उन्हां दे। ते आप जी इतिहास सारे पढ़ते हो सुनते हो, जोगी अल्लाह यार खां ने बड़े विस्तार विच लिखे है। ये ठीक है चाहिए अंग्रेजी भी पढ़नी लिखनी सीखनी, पर कम से कम इन्ना जरूर करो कि साडे बच्चे घर विच जरूर पंजाबी बोलन।
अपने बच्चों ना परिवार विच पंजाबी विच गल करो। तो मैं बेनती करते हैं जिसने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अमृतमय बाणी शुद्ध पढ़नी है, नितनेम शुद्ध करना है, उहदे वास्ते पंजाबी बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे जिहड़े शब्द ने ना उह ना पंजाबी विच ने ना हिंदी विच ने, उह केवल ते केवल गुरमुखी विच वाहिगुरु जी, वो ना अंग्रेजी विच ने ना हिंदी विच ने, केवल ते केवल गुरमुखी पंजाबी विच ने। जिवें आप जी पढ़दे हो अड़ाड़ा अड़ाड़ मिटाए संग साधु, अंग्रेजी विच बनाओ, हिंदी विच बनाओ, अरबी विच बनाओ, फारसी विच बनाओ, नहीं शब्द बनेगा। ते सतगुरां ने ते एक कलाम तो सिख नूं झिड़किया सी, केवल एक कलाम तो असी पता नहीं किन्नियां क गलतियां कर जाने हैं। इस करके बच्चों नूं पढ़ाओ, मुबारक है, पर बच्चे तुहाडे नितनेमी होने बहुत जरूरी ने। वह नितनेमी तदों होणगे जदों तुसी खुद नितनेम करोगे। जे तुसी आप नहीं बाणी पढ़ोगे, चैल चार साहबजादे बवेजा ने जिहड़ी मूवी बनाई है तुसी सारिआं ने देखी है, सरकार ने भी उस दे उत्ते काफ़ी हुंगारा भरिया, ते तुसी उहदे विच देखिया साहबजादे कीर्तन कर रहे ने, चारे साहबजादे बैठे कीर्तन कर रहे ने, छोटे भी ते वड्डे भी। हुण कीर्तन सिखाया है ना, तां ही कर रहे ने। अपने बच्चियां नूं गुरमत दी गुड़ती, अपने बच्चियां नूं मां बोली, मैं बेनती कर रहा सी जिहदे कोल मां बोली है, जिहदे कोल गुरमत दी गुड़ती है, जिस नूं गुरु ते विश्वास है, जिस बच्चे दे अंदर गुरु का इतिहास है, वह बंद बंद कटवा सकदा है, सिक्खी नूं नहीं त्याग सकदा, वह खोपरा उतरवा सकदा है, पर अपने केसां नूं कैंची नहीं लगन देवेगा, क्योंकि रोम रोम ही सिक्खी दृढ़ होई है उस बच्चे दे। और तीसरी गल जिहड़ी है पोशाक दी, मैं कई वारी बेनती करदा हुन्ना, पोशाक खुराक ते वाक ये तिन्ने साडे गुरमत दे विच्चों निकल चुके ने, बहुत घट ने। साडी बोल चाल विच्च गुरमत नहीं है, साडे पहरावे विच्च गुरमत नहीं है, साडी खुराक विच्चों ही गुरमत निकलदी जा रही है। ये तिन्ने बहुत जरूरी ने। और जिहड़े तिन्ने ने ना, इकबाल कहिंदा जिहदे कोले तिन्ने ने ना, वह एक बादशाह ते एक फकीर भी है, वह बादशाह भी है ते फकीर भी है, जिहदे कोले दस्तार रफ्तार ते तारो रफ्तारो दस्तार है। इकबाल ने यह शब्द कहे ने, अपने बच्चियां नूं नितनेम दे नाल जोड़ो, इतिहास साडे घर विच होना चाहिए। बहुत घट गुरमुख ने जिन्हां दे घर विच इतिहास दीआं पोथियां ने, नावल रसाले ते हर एक दे घर विच होणगे, पर इतिहास साडे घरां विचों गुम हुंदा जा रहा है। हर घर विच इतिहास दे ग्रंथ होने चाहिए, पोथियां होणियां चाहीदियां ने। जदों किते समा मिले 5-10 मिनट एक भी साखी पढ़ लो, एक प्रसंग पढ़ लो, उहदे विचों एक भी शब्द साडे मन विच वस गया ते जीवन सफल हो जाएगा। समा जास्त नहीं दे रहा है, इस करके बेनती करां कि अपने बच्चियां नूं अपने घरां विच ना गुआचण दिओ। जिहड़ी चीज़ घर विच गुआच जाए बाहरों नहीं प्राप्त हुंदी। इस करके गुरमत दे अनुसार अपने बच्चियां नूं सिख्या दिओ, गुरमत दे अनुसार अपने बच्चियां नूं अपने घर परिवार विच बैठ के नितनेम करो। टीवी अगे ते देख बैठदे आ, नितनेम विच भी बैठ जाया करिए, तां ही गुरु दीआं सीसां प्राप्त होणगीआं, तां ही पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी साडे ते माण करनगे, तां ही उहनां दे शब्द सिद्ध होणगे, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या पया जीवत कई हजार। तुहानू सारिआं नूं ना पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने अपने सपुत्र ते अपनियां सपुत्रियां बनाया है। टिक्का ते कौर, कौर शब्द जिहड़ा छोटे पुत्र नूं कहा जांदा, टिक्का वड्डे नूं कहा जांदा। सतगुरां ने ते खालसा मेरो इष्ट सो हिरद दी गल कही है,
ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭੰਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 14 ਯੁੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੰਗ, ਕੋਈ ਜਰ, ਜੋਰੂ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈ ਕਾਉਂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਹਿ ਪੈਮਾਨਤ ਆਣ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਣੰਗ ਜੀਤ ਆਏ ਜੈਅੰਗ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਪਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰੇ ਸੋ ਯੋਧਾ ਲਤਾੜੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲਤਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਚੰਦ, ਭੀਮ ਚੰਦ, ਅੰਡੂਰੀਏ, ਕੈਲੂਰੀਏ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ ਔਰ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਜੀਤ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਨਵਿੰਸੀਬਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਤੋਂ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸੁਪਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਬੀਬੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਲਿਹਾ